Hey what's up guys, this is Sanjeev and welcome back to again my YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 100 ऐसे लोन एप्लीकेशन जिनका आपको एक भी रुपया लोन का रिपेमेंट नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 100 से ज़्यादा लोन एप्लीकेशन के नाम है मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको ऐसे लोन एप्लीकेशन बताने वाला हूँ 100 से ज़्यादा जिनका आपको एक भी रुपया लोन का रिपेमेंट नहीं करना है। अगर आप इन एप्लीकेशन से लोन लिए हो, चाहे ये NBFC रजिस्टर्ड हो या फिर ना हो, अगर आप इनसे लोन लिए हो तो एक रुपया मत देना। ओके चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी फर्जी लोन ऐप से लोन लियो, 7 दिन का लोन लियो, बहुत परेशान हो, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर लिया गया, उस पर बार बार फोन करने की धमकी दी जा रही है, आपको डर है आपका गैलरी भी हैक कर लिया गया होगा, ठीक है, आपको डर है, आपको बहुत ज़्यादा हरास किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपको गाली वगैरह दिया जा रहा है, मतलब कि अगर आप 7 दिन वाले किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लियो या फिर किसी NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लियो और वो अगर आपको परेशान करा तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखो। ओके आज मैं कोशिश करूंगा आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ओके चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3 ऐसे एप्लीकेशन के लिंक मिल जाएंगे जिन तीनों एप्लीकेशन को आप सिर्फ रेफर कर करके महीनों के हजारों रुपए कमा सकते हो। मैं खुद कमाता हूं, अभी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। ओके पहला एप्लीकेशन है ग्रो, जो कि आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक से खाली डाउनलोड करके KYC कर लोगे तो आपको 100 रुपये मिल जाएगा। उस 100 रुपये को इजीली आप अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। ओके और मुझे भी 100 रुपये मिलेगा, मैं भी उस पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूं। उसके बाद आप ये एप्लीकेशन किसी को भी रेफर करते हो तो उसको भी 100 रुपये मिलता है, आपको भी 100 रुपये मिलता है। अगर आप ये एप्लीकेशन दिन भर में 10 लोग को भी रेफर कर दिए तो 1000 रुपये कमा लोगे और उन 10 लोगों को भी 100-100 रुपये मिल जाएगा। तो सोचो कितनी अच्छी बात है, जिनको आप रेफर करते हो उनको भी 100 रुपये मिल रहा है, आपको भी 100 रुपये मिल रहा है, तो कोई भी आपके दिए गए लिंक से डाउनलोड करके KYC कर लेगा, बिना 1 रुपये इन्वेस्ट करे, बिना 1 रुपये इन्वेस्ट कराए, खाली आपको रेफर करना है। इनफैक्ट इन तीनों एप्लीकेशन में ना ही आपको 1 रुपये इन्वेस्ट करना है, ना ही 1 रुपये इन्वेस्ट कराना है, खाली आपको रेफर कर करके पैसा कमाना है। यहाँ पे देख लो इनवाइट रिवॉर्ड करके मुझे बहुत सारा 100-100 रुपये मिला है ग्रो एप्लीकेशन से। दूसरा एप्लीकेशन है ICICIDirect.com, इस एप्लीकेशन का भी लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन भी आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के देखे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, आधार कार्ड पैन कार्ड से KYC करना। उसके बाद ये एप्लीकेशन आप किसी को भी रेफर करते हो उसका KYC कराते हो तो आपको पर रेफर 250 रुपये मिलता है, मतलब दिन भर में भाई साहब 2 लोग को भी अगर आप रेफर कर दिए तो 500 रुपये कमा लोगे, 4 लोग को रेफर कर दिए तो 1000 रुपये कमा लोगे घर बैठे बैठे। कुछ नहीं करना है, खाली WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter कहीं से भी आपको रेफर कर देना है, KYC करा देना है, आप पैसा कमा लिए, उस पैसे को सीधे अपने बैंक में ट्रांसफर कर लो। तीसरा एप्लीकेशन है Upstock, यहाँ पे देख लो Upstock एप्लीकेशन से मैं 2 लाख से भी ज्यादा रुपया कमा चुका हूँ, ठीक है Upstock से मैं 2 लाख से भी ज्यादा कमा चुका हूँ। यहाँ पे देख लो कुछ महीने की कमाई है, सिर्फ कुछ महीने की कमाई मेरी। ये एप्लीकेशन का भी लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो रेफर करो और ये एप्लीकेशन आपको पर रेफर 300 रुपये देता है। आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के देखे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, आधार कार्ड पैन कार्ड से KYC करना, उसके बाद किसी को भी रेफर करना उसका भी आधार कार्ड पैन कार्ड से KYC करना, आपको पर रेफर गाइज मिलता है 300 रुपये। मतलब आप समझ रहे हो दिन भर में आप 10 लोग को रेफर कर दिए तो 300 रुपये के हिसाब से कितना हो गया आप खुद जोड़ लो। ओके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो खाली रेफर कर करके इन तीनों एप्लीकेशन से। अभी मौका बहुत तगड़ा है, लोन लेने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लियो तो यहाँ से कमा के चुका सकते हो और लोन एप्लीकेशन से छुटकारा पा सकते हो। बहुत बढ़िया मौका है, इससे बढ़िया मौका फिर कभी भी नहीं मिलेगा। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करो रेफर करो पैसा कमाओ, कोई भी जरूरत नहीं है लोन लेने का किसी भी एप्लीकेशन से। ओके बाकी लिंक है तीनों एप्लीकेशन का, मैं आपको बता दिया पैसा कैसे कमाना है। चलिए अब बताता हूँ आपको लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो गाइज बहुत सारे ऐसे लोन एप्लीकेशन हैं, 100 से ज़्यादा ऐसे लोन एप्लीकेशन हैं, मैं एक एक करके आपको नाम तो यहाँ पे नहीं बताऊँगा लेकिन 100 से ज़्यादा ऐसे लोन एप्लीकेशन हैं जो कि NBFC रजिस्टर्ड अपने आप को बताते हैं और उनका अगर आप अबाउट सेक्शन खोलोगे तो एकदम देख के लगेगा कि अरे यार ये तो पूरा एकदम NBFC रजिस्टर्ड ही लोन एप्लीकेशन है, इसके NBFC का यहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल फेक है, फ्रॉड है, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, 100 से ज्यादा लोन एप्लीकेशन है, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको कैसे पकड़ना है कि ये लोन एप्लीकेशन फर्जी है, ठीक है। कोई भी NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन अगर है उसका वेबआउट सेक्शन चेक करना और उसके बाद जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है उसका वेबआउट सेक्शन चेक करना,
और उसके बाद उस एनबीएफसी की वेबसाइट पे जाके उस एप्लीकेशन को आप ढूंढना, अगर वो मिल जाए तो समझो कि रजिस्टर्ड है, अगर नहीं मिले तो समझो फेक है। और मैं आपको बता दूं, आप इससे भी पकड़ सकते हो, वो एप्लीकेशन अपने अबाउट सेक्शन में एनबीएफसी का नाम वगैरह बताया है और आपको बोल रहा है कि हम एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है और आपको दिया है सिर्फ 7 दिन का लोन, तो समझ जाना फर्जी है, कोई भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन नहीं है वो। ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का चोला ओढ़ ओढ़ के ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले दोबारा से आ रहे हैं, और 100 से ज्यादा ऐसे लोन एप्लीकेशन है जो कि गाइस 100 से तो बहुत ही ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है 1000-2000 ऐसे लोन एप्लीकेशन है जो कि बिल्कुल भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन नहीं है, और वो सिर्फ अपने प्ले स्टोर में जाके अबाउट सेक्शन में लिख देते हैं कि हाँ भैया ये है हमारी एनबीएफसी, इतने का लोन देंगे, इतने दिन के लिए देंगे, इतना मेरा इंटरेस्ट रहेगा, इतना जीएसटी रहेगा, इतना प्रोसेसिंग फीस रहेगा। आप पकड़ ही नहीं सकते हो अबाउट सेक्शन से कि भैया ये लोन एप्लीकेशन फर्जी होगा, लेकिन उसका अगर आप इंटरफेस देखोगे ना कहीं वो एकदम मेड इन चाइना जैसा दिख जाएगा और आपको बेकार कहीं ना कहीं दिखेगा। और वैसे भी अगर आप नहीं पकड़ पाते हो तो मैं आपको बता दूं, अगर वो अपने आपको एनबीएफसी रजिस्टर्ड बता रहा है और 7 दिन का लोन दिया है तो समझ जाओ वो फर्जी है, कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड नहीं है। उसके खाली अबाउट सेक्शन में एनबीएफसी रजिस्टर्ड लिखने से कुछ नहीं होता है। आजकल बहुत सारे लोन एप्लीकेशन है जो कि अच्छे अच्छे, जैसे क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन का अबाउट सेक्शन पूरा कॉपी करके फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले चिपका देते हैं, पूरा कॉपी करके कि हाँ भैया इतने का लोन देंगे, इतना टेन्योर बनाएंगे, ये है हमारी एनबीएफसी, इतना जीएसटी, इतना प्रोसेसिंग फीस, सब कुछ एकदम डिट्टो, ओके यहाँ पे ये हमारा इतना जीएसटी लगेगा, इतना प्रोसेसिंग फीस लगेगा, इतना आपके बैंक में डिस्बर्स करेंगे, ये हमारी एनबीएफसी है, इस दिन को लोन एप्लीकेशन रिलीज हुआ है। मतलब ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले ना अच्छे अच्छे जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है उनका पूरा अबाउट सेक्शन कॉपी करके अपने अबाउट सेक्शन में डाल देते हैं प्ले स्टोर में, तो वो देख के आपको भटकना नहीं है कि अरे यार ये तो एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, ऐसे चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आजकल एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन नाम बता बता के लोग आते हैं और फर्जीवाड़ा आपसे करके चल जाते हैं, कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड वो होते नहीं है, ठीक है। बाकी गाइस मैं आपको बता दूं, मेरे भाई लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर मैं लोन का रिपेमेंट कर दे रहा हूँ फिर भी मुझसे लोन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको लोन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोन ले लिए हो ना फिर भी कोई भी गाइज आपको लोन देने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोन ले लिए हो फिर भी आपको लोन देने की जरूरत नहीं है। किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोन लिए हो तो वहां पे डरो मत, एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का लोन का रिपेमेंट करो, और जो फर्जी है जो 7 दिन का लोन दिए हैं, ना ही आपके सिविल में सो होती है, ना आपका मतलब कि कुछ भी अपना एनबीएफसी का नाम वो बताई है, ठीक है, ऐसा कुछ भी अगर वो नहीं कर रही है तो भैया उनका लोन रोक दो, उनका पैसा मत दो। अगर वो आपको प्रताड़ित कर रही हैं, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर ली हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, बोल रही हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर देंगे, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, और उसके बाद से आपको मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, तो वैसे लोन एप्लीकेशन का 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आप चाहे कितने का भी लोन लिए हो, अगर वो 7 दिन का लोन दी है आपके सिविल में, सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन आपके सिविल में शो नहीं होती है तो उसका 1 रुपया आपको नहीं देना है। अब आपको फर्जी लोन एप्लीकेशन पकड़ने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपना सिविल चेक करना है, यूट्यूब पे लिखना हाउ टू चेक सिविल, या फिर सिविल कैसे चेक करें, हिंदी में भी आप लिख सकते हो, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, मैं खुद इस पे वीडियो बनाया हूँ, मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप अपना सिविल चेक कर सकते हो। जिस भी लोन एप्लीकेशन से आप लोन लिए हो उसके एनबीएफसी का नाम पता लगाओ और वो एनबीएफसी आपके सिविल में शो हो रही है कि नहीं हो रही है ये चेक करो, अगर आपके सिविल में शो हो गई तो आपको लोन चुकाना है, अगर आपके सिविल में शो नहीं होती है तो आपको 1 रुपया 1 अठन्नी किसी भी लोन एप्लीकेशन को देने की जरूरत नहीं है। 7 दिन का लोन अगर आपको कोई एप्लीकेशन दिया है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने की धमकी दे रहा है, आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपको गाली गलौज दे रहा है, तो उसको 1 रुपया मत देना, सीधा सिंपल समझ लो। अब मैं सभी लोन एप्लीकेशन के नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना आपको बता दिया कि जो आपके सिविल में शो ना हो समझ जाओ वो बिल्कुल फर्जी है, फेक है, 1 रुपया उस एप्लीकेशन का मत देना, कुछ आपका नहीं होने वाला है, आपका ना ही सिविल खराब होगा, ना ही आपके यहाँ लीगल नोटिस निकलेगा, ना ही आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब बोलते हैं कि ब्लॉक करा देंगे, ना ही आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक होगा, ना ही कुछ भी होगा, ना ही आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लिया जाएगा, कोई भी केस होगा, कुछ नहीं होगा, ओके। और कोई भी ऐसे आपको कुछ इस तरीके का लीगल नोटिस भेजता है कोई भी लोन एप्लीकेशन वाला, तो उससे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिनल लीगल नोटिस नहीं होता है, ये स्टाम्प पेपर पे छाप के ऐसे ही आपको उल्लू बनाया जाता है, ये एक मूर्ख बनाने का तरीका है, ये कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन वाले कभी भी ऐसा नहीं भेजेंगे आपको लीगल नोटिस, ये बिल्कुल फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले भेजते हैं स्टाम्प पेपर पे, कुछ भी साफ साफ दिखता नहीं है, 10 रुपये 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेंगे और कुछ भी छाप के पहले से और भेज देंगे आपको, तो ये ऐसा जो लीगल नोटिस होता है ये फेक लीगल नोटिस है, इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है रत्ती भर भी, ठीक है। जो सही में ओरिजिनल लीगल नोटिस होता है उसमें वकील का नाम, वकील का किस कोर्ट से आया है, सब कुछ वहां पे दिया रहता है, वकील का मोबाइल नंबर, वकील का पता, सब कुछ वहां पे दिया रहता है जो ओरिजिनल लीगल नोटिस होता है। लेकिन फर्जी लीगल नोटिस
वो बिल्कुल फेक है, ये लीगल नोटिस बिल्कुल फेक है। अगर ऐसा लीगल नोटिस कोई भी आपको देता है कि भैया ये देखो ये तुम्हारा लीगल नोटिस है, तुम लोन नहीं चुका रहे हो, तो लीगल नोटिस तुम्हारे नाम से निकला है, तो बिल्कुल फेक है, फर्जी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी लोन एप्लीकेशन वाला अगर आपको 7 दिन का लोन दिया है तो वो आपका कुछ नहीं कर सकता है। मैं साल भर से चिल्ला रहा हूँ, साल भर से ज्यादा हो गया मुझे फर्जी लोन एप्लीकेशन पे वीडियो बनाते बनाते, मैं कितनी बार बोला हूँ कि 7 और 15 दिन के लोन एप्लीकेशन वालों से डरने की जरूरत नहीं है, ओके। और इनका लोन नहीं भी चुकाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों के पास चला जाता है और वो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने की धमकी देते हैं। तो भाई मैं इसका भी उपाय बताया हूँ कि साइबर क्राइम या फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो और अपने कंप्लेन की कॉपी सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेज दो और बोल दो कि मेरा फोन वगैरह हैक हो गया है और मैं एक एप्लीकेशन से लोन ले लिया था, वो एप्लीकेशन मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है। तो देखो मैं कंप्लेन कराया हूँ, ये है कंप्लेन की कॉपी, अगर आपको कोई भी कॉल आता है और वो बोलता है कि फलाने ने लोन ले लिया है और लोन नहीं चुका रहे हैं, तो आप बोल देना कि मैं उनको नहीं जानता हूँ, ओके। मैं मानता हूँ गाइस बहुत ज़्यादा ये लोग फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले मेंटली टॉर्चर करते हैं, बट आपको मेंटली स्ट्रांग यहाँ पे बनना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं बनोगे तो भाई साहब मैं आपको बता दूँ आपसे इतनी बार ये पैसा मांगेंगे, इतनी बार आप पैसा मांगेंगे आपसे गाइस, कोई भी जरूरत नहीं है इन फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों से 1% भी डरने का, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इनसे डरे हैं जो कि उनको नहीं डरना चाहिए और वो गलत कदम उठाए हैं, ठीक है। आपको पता होगा गलत कदम से मेरा बोलने का क्या मतलब है, उन्होंने गलत काम कर लिया अपने साथ जो कि उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बिल्कुल कोई मतलब कि यार सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आप ऐसे एप्लीकेशन से डरो जो कि खुद फर्जी है। तो ऐसे कोई भी 7 दिन और 15 दिन वाले लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोन लिए हो, आपके सिविल में शो नहीं हो रहा है, लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दे रहा है, सैंक्शन लेटर नहीं दे रहा है, तो 1 रुपया उसको चुकाने की जरूरत नहीं है। कोई आपके घर पर नहीं आएगा, कोई आपके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेगा, कोई लीगल नोटिस नहीं भेजेगा, कोई आपके यहाँ पुलिस वकील कुछ भी नहीं आने वाला है, सिर्फ आपको डराया जाता है आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के दम पे, ओके। कॉन्टैक्ट लिस्ट भी भैया देखो, कॉन्टैक्ट लिस्ट आपका कुछ वो लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट लेके नहीं कर पाएंगे। अगर एक साइबर क्राइम में या फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन में अगर आप कंप्लेन कर दोगे ना किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से, अगर आपने लोन लिया है और नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर साइबर क्राइम में ऑनलाइन कंप्लेन करके PDF भेज दोगे तो उनकी वैसे ही डर के मारे हालत खराब हो जाएगी, वो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे अगर उनके पास आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है फिर भी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को आप खुद ही फोन करके बोल दो, वीडियो बना के बोल दो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा स्कैम हो चुका है, मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट उन लोगों के पास पहुंच गया है जिसमें आपका भी नंबर सेव था, अगर वो आपको कॉल करते हैं तो आप बोल देना मैं इनको नहीं जानता हूं। सबसे बेस्ट तरीका है, उसके बाद ये करें आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और ऐसे अगर आप डरोगे तो बार बार आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने की धमकी देंगे और आपसे पैसा वसूलेंगे, ठीक है। तो यही कुछ ऐसे लोन एप्लीकेशन है जिनको मैं आपको बता दिया कि NBFC रजिस्टर्ड बताते हैं बट वो होते नहीं हैं, ठीक है। और ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशन होते हैं, 7 दिन का लोन देते हैं, आपके सिविल में शो नहीं होते हैं, लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं देते हैं, सैंक्शन लेटर नहीं देते हैं। बाकी यही था आज के इस वीडियो में गाइस, अगर आपको सही में लोन लेना हो किसी NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का। ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से ही लोन दे देता है मिनटों में, ओके। ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन स्टार्टिंग में आपको कम लोन देता है, लेकिन जैसे जैसे आप लोन का रिपेमेंट करते जाओगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, टोटली 11 लेवल होते हैं, आप 1 लाख रुपए तक का लेवल आप लोन ले सकते हो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन की दिए गए लिंक से डाउनलोड करके, ओके। पहला लोन होता है कैश लोन, दूसरा लोन होता है लेवल अप लोन। अगर आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से कैश लोन लोगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़े, लेकिन अगर आप लेवल अप लोन लेते हो तो कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं, कोई सैलरी स्लिप नहीं, सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से ही ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन आपको लोन दे देता है, वो भी मिनटों में। और सबसे अच्छी बात, अगर आपका थोड़ा बहुत सिविल स्कोर कम है, थोड़ा बहुत सिविल स्कोर खराब है, ज्यादा नहीं, अगर आपका थोड़ा बहुत सिविल स्कोर कम खराब है तो आपको लोन दे देगा ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन मिनटों में, ओके। स्टार्टिंग में कम देगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोन का रिपेमेंट करते जाओगे, टोटली 11 लेवल होते हैं, जैसे ही आप 11वें लेवल पे पहुंचोगे आप 1 लाख रुपए तक का लेवल आप लोन ले सकते हो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के देखे लिंक से डाउनलोड करके। बाकी लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का, डाउनलोड करो, लोन के लिए अप्लाई करो, अगर सही में आपको नीड है पैसे की तो, कोई इमरजेंसी है तो, अगर भगवान ना करे कोई इमरजेंसी है तभी लोन के लिए अप्लाई करना, ओके। और लोन चुका सकते हो, टाइम टू टाइम लोन का रिपेमेंट कर सकते हो तभी लोन के लिए अप्लाई करना। अगर आप लोन नहीं चुका सकते हो, लोन का EMI नहीं भर सकते हो, तो बिल्कुल भी लोन के लिए अप्लाई मत करना। बाकी अपस्टॉक ग्रो और ICICIdirect.com का लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो, रेफर करो, पैसा कमाओ भाई। लोग दिन भर में 10 लोग को भी रेफर कर दिए ना तो इतना पैसा कमा लोगे कि लोन लेने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक ये तीनों एप्लीकेशन रेफरल का पैसा दे रहे हैं। आपने खुद प्रूफ देखा कि मुझे खुद कितना पैसा मिला है, मैं खुद कितना पैसा कमाया हूं, तो आप भी कमा सकते हो, ओके। तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में, चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए वंदे मातरम।